Hello students, I am Professor Neeta Phulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1.6 इनटू द वर्ल्ड. ओके, सो देखिए ये जो लेसन है इसके थ्रू आपका जो 1.6 आपका जो लेसन नंबर 1.6 है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दैट्स बिकॉज ये लेक्चर लेंदी है, सो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है कि आप ज्यादा बोर ना हो और कम से कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज इसका मिल जाए. सो चलिए इसको हम फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पढ़ते हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड फुल एक्सप्लेनेशन विद हिंदी पढ़ते हैं. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. एंड थैंक्स अ लॉट डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलिए शुरुआत कर देते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ द राइटर और द ऑथर ऑफ दिस लेसन. ये जो स्टोरी है इनटू द वाइल्ड. ओके, सो दिस हैज बीन रिटन बाय किरण पुरंदरे. ही वाज बोर्न इन 1961. आफ्टर बीकॉम ही स्टडीड एनवायरमेंटल स्टडीज एट जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन स्कॉटलैंड. इनका जो एजुकेशन हुआ था वो उन्होंने जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्कॉटलैंड में किया था. एंड ही इज अ रेसिपेंट ऑफ द साहित्य पुरस्कार. इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. पुनेज भाई माधव बागल अवार्ड एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर हिज साखा नागजीरा. ही स्पेंट 400 डेज इनसाइड नागजीरा एंड नियर बाय फॉरेस्ट एरियाज एंड रोट दिस अवार्ड विनिंग बुक. उन्होंने 400 दिन नागजीरा के इस फॉरेस्ट जंगल में बिताए थे और उसके बाद ये जो उन्होंने बुक लिखा था इसको अवार्ड्स भी मिले थे. दिस एक्सक्रिप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम. ये जो हमको आपके लिए ये जो लेसन यहाँ पर दिया गया है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक. ही इज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, अ बर्ड वॉचर. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यानी कि जंगल में आप डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते होगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो आपको शोज दिखाई देते हैं लाइक दैट कि उनको उसमें इंटरेस्ट था. उसके बाद ही इज अ बर्ड वॉचर, वो बर्ड वॉचर थे. राइटर एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र. ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी विच वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वर्क अराउंड नागजीरा नोवेगांव टाइगर रिजर्व इन भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. भंडारा और गोंदिया जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो वहां पर इन्होंने ये निसर्गवेद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे जो हमारे प्राणी पक्षी है और जो नेचर है उसके कंजर्वेशन के लिए. ही ऑल्सो फाउंडेड किकास बर्ड क्लब इन ऑर्डर टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग विच इज वेरी पॉपुलर अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फॉर ऑफ महाराष्ट्र. तो उन्होंने किकास बर्ड क्लब स्टार्ट किया था. एंड पार्ट वन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इस लेसन को. सो पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे और पार्ट टू में. इन पार्ट वन एज द नेम सजेस्ट द एक्सक्रिप्ट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेयर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रैवलर इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बारजरा. तो उम्बारजरा के जंगलों में वो खो गए थे. ही नरेट्स हाउ ही लॉस्ट हिज वे एट द फॉल ऑफ द डस्ट एंड द टेरिफाइंग टर्मोइल ही अंडरवेंट देयर आफ्टर. वहां का उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया है. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डनेस. तो वहां पर वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे मदद के लिए, पूछ रहे थे. ही ऑल्सो गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही फाउंड हिज वे टूवर्ड्स द पिटेजारी. सो पिटेजारी के लिए उनको कैसा रास्ता मिला, वो कैसे उन्होंने कहा कैसे ढूंढ निकाला वो रास्ता, कैसे वहां पर पहुंच गए. सो ये एक्सपीरियंस उन्होंने पार्ट वन में शेयर किया. इन पार्ट टू दिस पार्ट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी एंड ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश्ड बाय लैंड रोवर इंडिया. सो लैंड रोवर इंडिया में जो लैंड रोवर इंडिया की तरफ से जो सी एन ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश हुआ था उसमें का वो पार्ट लिया गया है. इट इज अबाउट शाद जंग नोन फॉर हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. इट ब्रीफ्स अस अबाउट हिज एंट्री इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. जो शाद जंग है इनका जो इन्होंने इस फील्ड में कैसे एंट्री लिया, ठीक है. सो ही केम्स इन द वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. ये इसका एक ब्रीफ में उन्होंने स्टोरी दिया है. The insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI. He established BCRTI ki unhone sthapna ki thi for the conservation of forest by educating the local rural folks and providing them with a sound reliable source of income. Yani ke
जो आदिवासी लोग रहते हैं, सो उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, और उनको एक इनकम सोर्स मिलने के लिए वहाँ के लोगों को उन्होंने काम किया था. सो लेट्स चेक इन डिटेल्स इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट वन, लॉस्ट इन द जंगल. यानी कि हमारे जो राइटर है, ठीक है, तो वो जंगल में खो गए थे. सो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि वो कैसे जंगल में खोए थे और किस तरह से उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ निकाला. द 8.5 आवर लॉन्ग डे इन साइड द हाइड वॉज अ फ्रूटफुल एज अ जाम्बा ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उम्बारजरा. यानी कि वो जो जंगल था, ठीक है, सो वहां पर उन्होंने 8.5 घंटे बिताए थे और वो जाम्बा का जो जो पेड़ था, ठीक है, तो वहां पर वो ठहरे थे. बिफोर रैपिंग अप नेचुरल वाटर होल आई टुक एंट्रीज ऑफ द अविफाना इन माई फील्ड नोट्स. What is the meaning of avifauna? It's birds of a particular region, habitat or geological period. यानी कि वो जो वहाँ का environment था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था वहां पर, जो जो उन्होंने देखा था वो उन्होंने अपने नोटबुक में नोट डाउन किया था. And I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitezari. और अभी पिटेजारी के लिए वो अभी पिटेजारी के लिए अभी वो निकल गए थे. निगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टिक वुड एंड मोहा ट्रीज ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड. और वहां पर जो टेक वुड्स थे, ठीक है, और जो मोहा ट्रीज थी, तो उनका जो उनकी जो आवाज आ रही थी, यानी कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कैमरा की जो बाग, उनका जो कैमरा था, कैमरा बैग थी, तो उसको लेकर वो पिटेजरी की ओर निकल गए. और जो टेक वुड यानी कि जो सागवान ट्री हम बोलते हैं, और मोहा ट्रीज मीन्स मोहा का जो पेड़ है, सो इनके जो पत्ते हैं, ठीक है, जो साउंड्स करते हैं, उन वो पत्तों से एक अजीब तरह का साउंड आता है. आई वॉज ट्रीडिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स. और वह उन झाड़ियों से आगे की तरफ, यानी कि बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अल्टरनेस देन वॉकिंग विद अ कंपेनियन. यानी कि वो अकेले थे, तो उनका कहना ऐसा है कि किसी, अगर कोई उनका कलीग उनके साथ कोई अगर होता, तो उसके साथ चलने में जो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, दैट इज डिफरेंट. यहाँ पर वो अकेले चल रहे थे, इसके लिए वो बहुत ही कॉशियस थे, सावधान थे. आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो ही इज फीलिंग लाइक कि वो वहां पर एक जैसे कि फॉक्स की तरह है उस जंगल में. फॉलोइंग द ट्रेल साइलेंटली, यानी कि वो शांति से एकदम चल रहे थे. वॉचिंग विथ वाइड ओपन आईज माई ईयर्स वर ग्रास्पिंग अ वराइटी ऑफ साउंड जस्ट वेन अ फैमिलियर साउंड टर्न मी. यानी कि वो शांति से आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अलग अलग आवाजें जंगल में उनको सुनाई दे रही थी, लाइक खैक खैक खैक्स खैक, यानी कि खैक खैक की एक आवाज उनको आ रही थी. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. और ये जो था, जो लंगूर जो एक एनिमल है, तो वो जो लंगूर होते हैं, यानी कि ये हमारे जो मंकी रहते हैं, ठीक है, उसका एक प्रकार रहता है, उनका टाइप रहता है, लंगूर एक आवाज निकाल रहे थे. द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स. यानी कि अगर कोई उनको कुछ दिखता है ऐसे, यानी कि टाइगर आ रहा है या फिर कोई मुसीबत आ रही है जंगल में, तो वो इस तरह से आवाज निकालते हैं. और वो वहां पर जो लंगूरों की टोली थी, उसका जो एक लीडर था, उसका जो एक लीडर, यानी कि जो लीड करता है टीम का, टीम लीडर, वो वहां पर आवाज निकाल रहा था आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ. यानी कि जो वहां पर कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, उसको सतर्क करने के लिए वो आवाज निकाल रहा था. रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल. और उसकी आवाज सुनने के बाद बाकी के लंगूर भी वैसे ही सेम आवाज निकालने लगे. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रीफाइड लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर देयर प्लेसेज ऑन ट्री टॉप्स. पेट्रीफाइड मीन्स वेरी फ्राइटन, बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए सब लंगूर, सब डर गए थे. और वो आवाज निकाल कर सब जो लंगूर थे एक साथ ही आवाज निकालने लगे. और आजू बाजू में कोई सिक्योर ट्री, यानी के जो ट्री रहता है, जो झाड़ रहता, हम उसको बोलते हैं कि जो ट्री के टॉप में, यानी के पेड़ के एकदम टॉप पर जाकर वो सब बैठ गए. ऑल दिस अपहीवल वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन एनिमल्स प्रेजेंस, अ लेपर्ड. तो वहां पर क्या था, तो वहां पर लेपर्ड आ चुका था, चीता आ चुका था, और उसका प्रेजेंस उनको दिखाई दिया, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से आवाज निकाल रहे थे, एक दूसरे को वो अलर्ट कर रहे थे कि
यहाँ पर धोखा आ चुका है और इसके वजह से सभी चिल्लाते हुए ट्री टॉप के ऊपर चढ़ गए थे। सो यहाँ पे देखिएगा अपहीवल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिया है गेस द मीनिंग। अपहीवल का मीनिंग लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अप्रोर और डिस्टर्बेंस यानी के उल्टा पुल्टा होना। एंड यहाँ पर देखिए प्रेडेटर का मतलब है, प्रेडेटर्स मीन्स जो कि एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स यानी कि शिकारी हम उसको बोल सकते हैं। मेनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी ए प्रेडेटर टाइगर और लेपर्ड नियर बाय, जैसे कि हम जानते हैं डिस्कवरी चैनल अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो मस्ट देखिए क्या, उस पर जो शोज दिखाए जाते हैं उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ का। सो जब कोई प्रेडेटर यानी कि शिकारी जो प्राणी वहां पर आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, तो ये सारे जो पक्षी रहते हैं या फिर ये जो बाकी के प्राणी रहते हैं ये आवाज निकालने लगते हैं। द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर इन द जंगल। एपेक्स मीन्स वॉट, एपेक्स मीन्स टॉप मोस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो प्रेडेटर रहता है, मोस्ट सुपीरियर, इट मीन्स लायन होगा या फिर टाइगर होगा या फिर व्हाट वी सेज लायन होगा, टाइगर होगा, अदरवाइज लेपर्ड होगा। तो ये जो प्राणी है, ठीक है, ये जो एनिमल्स है ये बाकी के छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो इनका जब प्रेजेंस वहां पर दिखता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। द माइटी एलिजिव लेपर्ड ऑफ उमर जरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर, लेयर मीन्स डेन और सीक्रेट प्लेस यानी कि आप बोल सकते हो कि डेन ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी गुफा, अपनी गुफा से जो लेपर्ड है, ठीक है, जो चीता था वो बाहर निकल गया था, वो बाहर निकल गया था। एंड ही वॉज ऑन द प्रॉल, प्रॉल यानी के भटकना यानी को इधर उधर वो घूम रहा था। द स्टिल्डली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लॉक वॉज स्पाइड बाय दिस लंगूर्स, और लंगूरों ने वो जो उसकी यहाँ पर लेखक ने हमें क्या किया है, राइटर ने यहाँ पर एक उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से जो लेपर्ड है वो धीरे धीरे दबे पैर आगे की तरफ चल रहा था, अपना शिकार वो देख रहा था। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगूर्स वर गिविंग अलार्म कॉल्स, और लंगूर जो होते हैं कि उनमें से अगर छोटा भी कोई लंगूर होता है तो वो भी एक अलग टाइप का आवाज निकालकर धोखा, अगर आपके पास अगर कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसका उससे आपको अलर्ट करवाता है। लेजेंड मीन्स व्हाट, की अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल ऑफ और थिंग्स यानी कि बहुत बड़ी संख्या में वो चिल्लाते हैं, दैट इज चैक चैक, वो किस तरह से आवाज निकालते हैं, चैक चैक। आई स्टेड पुट, तो यहाँ पर ये जो हमारे राइटर है ही सेइंग कि आई स्टेड पुट, मैं वही के वह ठहर गया। गॉग द लीडर लंगूर टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली, और वहां पर जो लंगूर था, लंगूरों का जो लीडर था वो इधर उधर देख रहा था और वो पूरा जो एरिया है उसको ध्यान से देख रहा था कि कहाँ पर उसको वो प्रेडेटर दिख रहा है। टुक सम स्टेप्स, वो took some steps, stopped again. तो फिर हमारे जो राइटर है वो आगे की तरफ थोड़ा बढ़ गए, अगेन वो जाकर ठहर गए एक जगह पर। अ फ्रेश स्कैट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल, स्कैट मीन्स वॉट हियर, इट मीन्स एनिमल ड्रॉपिंग। अ फ्रेश स्कैट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल, और उनके वो जिस रास्ते से चल रहे थे वहां पर एक जो एनिमल है तो उसने पॉटी किया हुआ था। एंड द ब्लूश पर्पल फ्लाइज वर होवरिंग ओवर इट, और जो ब्लूश पर्पल फ्लाइज होते हैं यानी कि नीले कलर की या फिर पर्पल कलर की जो मक्खियां होती है उस पर वो मंडरा रही थी। आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर, और इनको अभी 100% पता चल गया था हमारे जो राइटर है कि हाँ यहाँ पर आसपास लेपर्ड है। द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ फोर ऑनर्ड एंटीलोप वॉज एडिंग टू द चाउस, और वहां पर क्या हुआ कि दूर से उनको एक जो हम बोलते हैं ना एंटीलोप मीन्स, आपको हिंदी में इसका मीनिंग मुझे बताना पड़ेगा, दैट इज कि जो हिरण का ही एक प्रकार रहता है यानी कि डियर लाइक एनिमल विथ हॉलो हॉर्न्स, कि उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, एंटीलोप यानी कि एक हरिन का ही प्रकार होता है यानी कि डियर। सो उसके बड़े बड़े वो सींग होते हैं एंड वो वहां पर उसको चार एंटीलोप यानी कि हम उसको हिंदी में बोलेंगे कुरंग, इस तरह से बोलते हैं, उनका जो
ये रहता है, बॉडी रहता है, बॉडी कलर रहता है वो ब्लैकिश रहता है, उनके सींग थोड़े हार्ड रहते हैं, तो वो चार एंटेलोप वहां पर दिख रहे थे। आई बेयरली वॉक अराउंड 15 मीटर्स एंड स्टॉप। और वहां पर जो हमारे ये लेखक है, ठीक है, हमारे जो राइटर है, तो उन्होंने क्या किया कि वो 15 मीटर तक चलते गए और वहां पर रुक गए। आई हैड apparently entered in the sanctum of a miracle called leopard। और उनको ऐसा लगा कि वहां पर वो जो leopard है, तो leopard वहां से गुजर रहा था और ये बहुत ही डरावना पल था उनके लिए कि उसके वो आजू बाजू में leopard है और उस जगह से वो तेंदुआ, हम उसको बोलते हैं तेंदुआ जो है, तेंदुआ उस उनको वहां पर दिख रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि एक तेंदुए के इलाके में मैंने अभी पैर रखा है, कदम रखा है। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, लेकिन वो बिग कैट उनको किधर भी नहीं दिख रहा था। इट इज एन एलिजिव एनिमल, एलिजिव यानी के उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एलिजिव एनिमल यानी कि फटाक से निकल जाने वाला, स्पीड जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। और आजू बाजू का जो पूरा माहौल बना हुआ था, लंगूर जो जोर जोर से आवाज निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, उससे हमारे जो राइटर है बहुत डर गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। एज आई मूव फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेझरी, द फेडिंग अलार्म कॉल्स वर स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड। और वो पिटेझरी के लिए आगे अगर बढ़ भी जाते हैं तो आगे कितनी भी दूर जाए, लेकिन उनको ये एक्सपीरियंस वो नहीं भूलने वाले थे। आई कुड टेल इंस्टिंक्टिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे। और उनको ऐसा लग रहा था और उनके ध्यान में ये, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो तेंदुआ है, तो इंस्टिंक्टिवली मीन्स व्हाट, विदाउट कॉन्शियस थॉट बाय नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी के समझ में आना कि लेपर्ड अभी वहां से दूर जा चुका है। सैंक्टम Sanctorum, sanctum sanctorum, इसका मतलब है students, the holy of holies, a place or a region where few are allowed or secret or important work is done, यानी कि बहुत ही danger place की जहाँ पर किसी predator का वहाँ पर एक हम बोलते हैं ना कि अनुभव मिलता है, वो वहाँ पर available है, उसका एक experience मिलता है, like this, तो ये बहुत ही danger बात उनके लिए थी। And that is hovering. Hovering का मतलब है, यहाँ पर देखिए, guess the meaning, मैं आपको meaning भी बता रही हूँ। Hovering means fluttering in the air, यानी कि घूमना। And antelope जैसे कि आपको पता ही है, deer like animal with hollow horns, यानी कि इसको हम बारसिंगा भी बोलते हैं। Meanwhile, यानी तब तक, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. दूर पर उनको एक इंसान दिखा कि जो हाथ में एक लकड़ी लेके खड़ा था। एज आई अप्रोच ही अपीयर्ड स्पुक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लीपर्ड। और जैसे कि ये उनके उस आदमी के पास चले गए, तो उनको लगा कि वो भी आदमी जो लेपर्ड की आवाज थी, यानी कि लेपर्ड सॉरी जो लंगूरों की आवाज थी, यानी कि लेपर्ड्स वहां पे है, उससे वो डरा हुआ था। वी ग्रीटेड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से मिले। ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेझरी। सो पिटेझरी से वो आए थे, राजू इस्कापे उनका नाम था। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रिएटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट। वो वहां पर यानी कि लकड़ी के लिए आए थे, लकड़ी को इकट्ठा करके ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर तेंदुआ था जो उनको दिखा था कि हाँ तेंदुआ इधर आसपास ही, इसके लिए वो पीछे हट गए थे। राजू वॉज अम्बेस्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बार जरा द हेवन फॉर टाइगर्स। और जो राजू था, ठीक है, तो वो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पर अकेले ही आए हैं इस प्लेस में। एंड द हेवन फॉर टाइगर्स लियोपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स, क्योंकि उस जगह पर टाइगर्स थे, लेपर्ड्स थे और जो बियर्स थे, स्लॉथ बियर्स थे, ठीक है। तो स्लॉथ बियर्स मीन्स व्हाट, की जो सुस्त बियर्स रहते हैं, ठीक है। सो उनका वास्तव वहां पे था। वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक। तो कुसुम नाम का जो एक पेड़ था, ठीक है, तो उसके नीचे वो जाकर खड़े हो गए। एंड फोर हैंड्स विद अ स्टिक, देन वी बोथ रिज्यूम्ड आवर वॉकिंग टूर। और उसके वहां पर जाने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, देन वो आगे की तरफ चल पड़े। देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल। वहां पर एक छोटा रास्ता था, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि आप जहाँ पर गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जा सकती, जहां से आपको खुद को ही चल के जाना पड़ता है। दैट इज
एंड आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, सेड राजू एंड टर्न राइट. तो वो जो राजू नामक जो इंसान उनको मिला था, उसने उनको कहा कि आप, आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, मैं इस रास्ते से चला जाऊंगा, लेकिन आप आगे की तरफ जो है वो सीधे ही सीधे चलते जाइएगा. और वो मुड़ गया राइट की तरफ और चला गया. आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइम्ड अ फैमिलियर हिल लॉग. और वो जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, तो वो आगे की तरफ चढ़ते ही गए जहाँ पर उनको एक हम बोलते हैं ना पहाड़ दिखा बड़ा वाला. आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन स्टैक्ड बाय फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट. फॉरेस्ट कंपार्टमेंट का एक जो बाउंड्री वाला वॉल वहां पर था, तो उन्होंने क्रॉस किया टू अनदर ट्रेल और आगे के रास्ते की तरफ वो चलते बने. देखिए, आगे बढ़ने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, दैट इज इंस्टिंक्टिवली, जो मैंने ऑलरेडी आपको उसका मीनिंग बता दिया था, दैट इज कि कुछ तो महसूस होना. चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्पूक्ड. ओके, तो यहाँ पर देखिए, फ्राइटन का मीनिंग होता है कि डर जाना, हैप्पी का मीनिंग होता है कि मुस्कुराना, एंग्री यानी कि बहुत ही आपको गुस्सा आना, हैव वन मीन्स अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रेफ्यूजी यानी कि खुद को बचाने के लिए जो प्लेस होता है, स्टैक्ट का मतलब है फाइंड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी. तो आपको स्टैक्ट का जो मीनिंग है वो डिक्शनरी से ढूंढने के लिए बताया गया है. और देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये मीनिंग बता देती हूँ. स्टैक का इंग्लिश में मीनिंग है, इन द इंग्लिश द मीनिंग इज पाइल्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी कि जो रचना की जाती है एक के ऊपर एक जो पिलार्स रखे जाते हैं लाइक दैट. एंड हेवन का मीन्स होता है कि जहाँ पर रहते हैं, यानी कि हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर्स, इनका जो ठिकाना रहता है, जहाँ पर वो घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं. ओके, सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, जब हमारे राइटर वहां से नीचे आ गए, ठीक है, जो वॉल थी वो क्रॉस करके, वॉक अक्रॉस अ ब्यूटीफुल महुआ ट्री लोडेड विद रेडिश ब्राउन लीव्स. वहां पर एक महुआ ट्री था, उसके रेडिश ब्राउन पत्ते थे, तो वहां पर आके वो उससे वो आगे की तरफ बढ़ गए. एंड द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड वेरी वेल. जो वो जो पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे की जगह तो बहुत ही स्वच्छ की गई थी. द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माई माइंड आई वुड लॉस्ट माई वे. और उनके दिमाग में ऐसा आ गया कि क्या मैं मेरा रास्ता भूल गया हूँ. नेक्स्ट मोमेंट, दूसरे ही मिनट पे, आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल. उनको एक डस्की ट्रेल दिखा, एक डस्की मार्क दिखा वहां पर. डस्की यानी जहां पर हम बोलते हैं ना कि धूल वगैरह होती है. हैस्टाइली आई टुक दैट ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ज टू एन ओपन फील्ड. तो उनने क्या किया कि बहुत ही हड़बड़ी से वो उस रास्ते की तरफ चले गए. और बाद में जाकर द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिल लॉक्स ऑफ ड्राई डिसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अभी देखिए, गौर का मीनिंग होता है नैरो गली बिटवीन हिल लॉक्स, यानी कि पहाड़ी में जो रास्ता होता है. एंड द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिल लॉक्स ऑफ ड्राई डिसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. डिसिडियस मीन्स हैविंग ट्रीज दैट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन्स, जिनके पत्ते ड्राई सीजन में झड़ते हैं. एंड ट्रॉपिकल मीन्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, यानी कि वहां पर जो हम बोलते हैं ना उष्णकटिबंधीय जो जंगल रहता है, वहां पर जो पहाड़ी रहती है, वो पूरा इलाका वैसा ही था. आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन. एंड उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको सूरज देखने के लिए मिला. नाउ द जियोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. और अभी उनको लगा कि ये जो भौगोलिक दिशा है, वेस्ट जो बाजू है, तो ये अभी वेस्ट की तरफ सूरज ढल जाएगा. द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड. और अभी जो वो डस्की ट्रेल था, जो डस्की रास्ता था, वो अभी पूरा वैनिश्ड हो गया था. गुड हेवंस आई वॉज लॉस्ट. और उनको ऐसा लगा ओ माई गॉड, अभी मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, कम्प्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल. मैं इस जंगल में बुरी तरह से फंस गया हूँ. दैट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम. और ये इनके लिए बहुत ही भया खतरनाक समय था. द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर. मेल्टिंग डाउन यानी कि सूरज डूबना. और लाइक अ फ्लीटिंग रनर मीन्स वॉट, कि एक जो बहुत जोर से जो दौड़ने वाले जो प्लेयर्स रहते हैं लाइक दैट, उनको फीलिंग वहां पर आ रही थी कि अभी मैं यहाँ पर पूरी तरह से खो गया हूँ. सोक्ड इन माय ओन स्वेट. और वो खुद के ही जो स्वेटिंग उनको हो रही थी उसमें वो सोक कर रहे थे. आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माय हर्ट्स कंटेंट. हर्ट्स कंटेंट टू वंस हर्ट्स कंटेंट मीन्स टू द फुलेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. और यहाँ पर अभी उनको
ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से वो चिल्लाए रोए, बट देयर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस। लेकिन उस जंगल में जहां पर कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा था, तो कोई नहीं था उनके चिल्लाने की आवाज सुनने वाला। आई हैड टू बैग्स विथ मी, उनके पास दो बैग्स थे, द शबनम बैग हैविंग द कैमरा एंड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज इन विलेजेस टू कैरी टिफिन। एक जो बैग थी उनकी, शबनम की जो बैग थी, उसमें कैमरा था और दूसरे बैग में उनका खाना का टिफिन था। द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ, और उसमें और भी खाना बचा था, बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन उनको भूख नहीं लगी थी। द ब्लॉजमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, द भूप भूप साउंड ऑफ द काउकल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ द रॉबिन बर्ड ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी। और अभी वहां पर बॉक्सवुड का जो पेड़ था और जो भारद्वाज पंछी रहता है, ठीक है, उसका भूप भूप करके एक आवाज आ रहा था। रॉबिन पंछी जो रहता है उसका उनको गाना सुनाई दे रहा था, और इनको ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर अकेले है एंड ऑल दिस साउंड्स आर कमिंग टू हिम, उनको वो आवाजें सुनाई दे रही थी। इट वॉज मोर देन आर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइंब एंड गेट सिक्योर्ड। और वहां पर अभी एक घंटा बीत चुका था और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी वहां पर उनको इट वॉज मोर देन एन आर, एक घंटा हो चुका है, एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइंब एंड गेट सिक्योर, जिस पेड़ पर चढ़कर वो खुद को सुरक्षित रख सके। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, और फिर वो पीछे की तरफ मुड़े और उनको ऐसा लगा कि जो जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते से फिर वो वापस जा सके, वापस जाए कि नहीं। माई माइंड वॉज टेलिंग मी, उनका दिमाग उनको यही बता रहा था, बट देयर वर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, लेकिन पीछे की तरफ कोई रास्ता ही उनको नहीं दिख रहा था। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिल लॉक बिफोर मी, और उनको जो पहाड़ी दिख रही थी उससे कूदने की बजाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिल लॉक बिफोर मी, देयर वर मोर हिल लॉक्स, वहां पर सभी जगह पर पहाड़ी थे, एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग, और एक छोटी वहां पर जो पहाड़ी थी वहां पर आकर वो रुक गए। नियर माई फीट वर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लोथ बियर, और वहां पर उनको जो सुस्त जो बियर रहता है, ठीक है, तो उसका हम क्या बोलते हैं कि उसका उनको पॉटी वहां पर दिखा। द स्लॉथ बेयर ऑफ उम्बर जरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वहां पर वो बेयर्स घूमते रहते हैं। आई कॉशन माई सेल्फ, उनको खुद की चिंता होने लगी। थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी, thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move, और अभी वो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही थी और वो आगे की तरफ फिर बढ़ गए। And I ran down the hill log that I had climbed up at a frantic speed. Frantic means hurried and excited. बहुत ही जोर जोर से भागना। The west was to my right. The evening breeze flew through my wet curled hair. जो हमारे राइटर है इनके कर्ली हेयर थे, तो उनको जो हवा वहां पर चल रही थी वो उनके बालों से गुजरती हुई फील हो रही थी। My stomach was aching, और उनका पेट अभी दुखने लगा था। And I kept walking in hope, लेकिन उनको आशा थी, वो आगे की तरफ चल रहे थे। After around 50 steps, I found a bright red soil trail. आगे की तरफ 15 step चलने के बाद उनको लाल जो मिट्टी रहती है उसकी उसका एक रोड वहां पर मिला। I found my silver lining on this trail. और उसके बाद उनको ऐसा लगा, होप्स उनके जाग गए। देयर वर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील्स ऑन दिस ट्रेल, और जो बाइसिकल थी यानी कि जो साइकिल रहती है, तो उसके व्हील्स के वहां पर उनको निशान दिखने लगे। दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी, और ये उनके लिए बहुत ही एक बोलते हैं ना होप्स वाली बात थी, वो बहुत ही रिलैक्स हो गए थे। देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, और उनको अभी 100% यकीन हो गया था कि आजू बाजू में कोई तो एक छोटा गांव होगा। आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, उनको खुद के बारे में अभी गारंटी लगने लग रही थी। मोर क्वेश्चंस रीसर्फेस्ड, अभी बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे। हाउ फार इज द विलेज, वो गांव कितना दूर होगा, एंड वेयर, कहाँ पे होगा, इन विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा में मैं जाऊँ। वट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग ऑफ द ट्रेल बाय द राइटर एंड व्हाई, यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग जो है, ठीक है, तो ये क्यों आया है शब्द, ये आपको ढूंढ के निकालना है स्टूडेंट्स। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होप्स, उम्मीद जागना, ठीक है। एंड आई क्लाइंब वन मोर हिल लॉक एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, वहां पे जब आगे वो बढ़े वहां पर उनको एक छोटी पहाड़ी दिखी और उसके बाजू में उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर इंसानों की बस्ती है। माई लेग्स वर ट्रेमलिंग, उनके पैर अभी कपकपाने लगे थे। एंड एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल, जैसे वो पहाड़ी के ऊपर की साइड पे जाके पहुंचे, आई जम्प्ड विद जॉय, खुशी के मारे उन्होंने वहां पर जंप किया। आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। इन अ जिफी आई रैन डाउन, एंड उसके बाद
उन्होंने क्या किया, वो नीचे गिर गए, ठीक है, तो वो नीचे गिर गए और बाद उसके बाद वो आगे की तरफ दौड़ने लगे, द हिल, हिल की तरफ से दौड़ने लगे टूवर्ड द साउंड विथ फुल विगर, और उनको जो आवाज जिस तरफ से आ रहा था साउंड्स के साउंड से, तो उसी तरफ से वो भागने लगे. आई स्टम्बल एंड फेल डाउन, वो वहां पे गिर पड़े. सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बल्ब्स नियर बाय, स्ट्रगल्ड, स्टूड अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन. तो उनको वहां पर जो नील गाय थी, नील गाय का जो हम बोलते हैं ना पॉटी, वहां पर उनको दिखी और वो उन्होंने देखा. उसके बाद वो आगे की तरफ वो गिर गए थे लेकिन वो उठ गए और वापस भागने लगे जिस तरफ से आवाज आ रही थी. द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वर विजिबल, अभी उनको इंसानी बस्ती दिख रही थी. द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिटेजरी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, हरी झाड़ियों के पास उनको, हरी झाड़ियों के वहां पे उनको वो गांव दिख रहा था. द लैंटर्न ऑफ राजीराम भलवीस फार्म, ओके, तो यहाँ पर उनको जो राजीराम भालावी थे तो उनके खेती में का एक हम बोलते हैं ना लैंटर्न यानी के कंदिल दिखा. द लाउड स्पीकर इंस्टॉल फॉर केशव भालावीज मैरिज, और केशव भालावी के शादी के लिए वहां पर लाउड स्पीकर लगाया गया था. ऑल वर इन क्लियर साइट, जगह वहां पर क्लियर उनको दिख रही थी. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फैमिलियर हिल लॉक, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे गए और उसको वहां पर उनको एक लेक दिखा, एक तालाब दिखा, एंड वहां पर उनको एंड फैमिलियर हिल लॉक जिसका नाम था, जो एक हम बोलते पहाड़ी थी उसका नाम था सुई हुड़की, ओके, सुई हुड़की. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज, और कुत्ता फिर उनके वहां पर भौंकने लगा, उनको वेलकम कर रहा था. लाइक दिस उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ, उन्होंने पहले डिसाइड किया कि वो नहाएंगे. द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन अ बिट, और उनके जो बॉडी थी एंड उनके जो पैर कपकपा रहे थे वो थोड़े कम हो गए कपकपाना. द स्टमक एके स्टार्टेड अगेन, पेट में वापस से उनके दुखने लगा. एट टू द फुल एंड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट, उन्होंने बहुत सारा पेट भर के खाना खाया. स्लम्प्ड, फेल हेविली, यानी पेट भर के खाना खाने के बाद वो कॉट के ऊपर सो गए. लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, और ऊपर की तरफ नीले आकाश में उनको जो स्टार्स दिख रहे थे. आई स्पोक टू माई सेल्फ, इस पे उन्होंने किरण पुरंदरे जो हमारे राइटर हैं वो खुद से बात कर रहे थे. देयर स्टिल एग्जिस्ट जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस आर गुड लक, यानी कि अभी अभी भी हम जहाँ पर जाकर यानी कि जहाँ पर जाकर हम खो सके ऐसे जंगल अभी भी अवेलेबल है, अभी भी अस्तित्व में है. तो ये हमारा एक गुड लक ही है, एक अच्छी निशानी है कि जंगल अभी भी अवेलेबल है. एंड दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी सखा नागजीरा, ओके, सखा नागजीरा, ये जो एक बुक उनके लिखा गया था, किरण पुरंदरे जी ने जो बुक लिखा है सखा नागजीरा, इससे ये स्टोरी ली गई है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया है. पार्ट टू में हम देखेंगे कि आगे का जो लेसन का जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय.